बिगनर्स कैसा होना चाहिए हमारा जिम का फर्स्ट डे, या आपने रिसेंटली ही जिम ज्वाइन किया है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपके बहुत काम आने वाली है, भले ही आपका गोल मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं विनाश और स्वागत है आपका अपने चैनल वे टू फिट में। इनिशियली हमें कोई भी जिम एसेसरीज की जरूरत नहीं होती है, तो इस एसेसरीज में फालतू पैसा वेस्ट ना करें। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो शूज को एफर्ट कर लीजिए, क्योंकि शूज हमें प्रोटेक्ट करता है होने वाली इंजरीज से और साथ ही साथ हमारे परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। हमें हमारे गोल के अकॉर्डिंग हर मंथ हमारा मेजरमेंट नोटबुक पर नोट करना चाहिए। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो हमें वेट, हाइट, चेस्ट, ये सब के मेजरमेंट को नोट कर लेना चाहिए। और अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आप वेट मेजर कर लीजिए, आपकी वेस्ट मेजर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप कर ले, ताकि होने वाली इंजरीज के चांसेस को हम कम कर सके, साथ साथ स्ट्रेच मास्क को भी अवॉइड कर सके। हम वार्म अप पे जॉगिंग, रोपिंग और स्ट्रेचिंग, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। वर्कआउट के बीच में हमें कोई भी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है, बट हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमारे 1 घंटे के सेशन में हमें 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पी लेना चाहिए। वाटर आपको कोई भी एनर्जी नहीं देता आपकी बॉडी को, बट आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अगर हम हमारे वर्कआउट के सेशन में कम एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप अपनी पानी के बॉटल में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करेगा। बॉडी को ओवरट्रेन ना करें, 1 घंटा सफिशियंट है हमारे वर्कआउट के लिए। यह साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर हम 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट सेशन रखते हैं तो हमारी बॉडी उसके बाद स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिससे हमें मसल लॉस होता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा वर्कआउट 45 मिनट से 60 मिनट के बीच ही कंप्लीट हो जाए। करेक्ट वर्कआउट शेड्यूल, हमें हमारे हर एक मसल ग्रुप को वीक में एटलीस्ट 1 बार ट्रेन करना चाहिए। कुछ लोग एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करते रहते हैं, जैसे बाइसेप की एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर एक मसल ग्रुप को वीक में एटलीस्ट 1 बार जरूर ट्रेन करें। और हमें फोकस करना चाहिए हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइज में, जैसे कि पुशअप, पुल अप, डेडलिफ्ट और स्क्वाट। इनिशियली हमें किसी भी टाइप के सप्लीमेंट में पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एफर्ट कर सकते हैं तो हमें वे प्रोटीन एफर्ट करना चाहिए। भले ही हमारा इंटेंशन मसल बिल्डिंग हो या फैट लॉस हो, दोनों में वे प्रोटीन काफी हेल्प करेगा। कुछ लोग वर्कआउट के आधे से ज्यादा सेशन पर कार्डियो परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे ट्रेडमिल या अदर कार्डियो की कोई भी एक्सरसाइज, बट हमें ये नहीं करना है। हमें ओवर कार्डियो अवॉइड करना है। हम वीक में 2 से 3 बार वर्कआउट के बाद में कार्डियो को 5 से 10 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट और इंजरी फ्री होने के लिए हमें किसी भी मसल एक्सरसाइज को करेक्ट फॉर्म में करना काफी जरूरी होता है। साथ ही साथ हमें मसल माइंड कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है, कि हम जो भी मसल की एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, हम फील करें कि हमारा पूरा प्रेशर उस मसल्स पे आ रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं ब्रीथिंग टेक्निक की। ब्रीथिंग टेक्निक काफी सिंपल होती है। जब भी हम किसी वेट को पुल करते हैं तो हमें मुंह से ब्रीथ को आउट करने चाहिए, और जब हम किसी भी वेट को रिलीज करते हैं तो हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। ये थी ब्रीथिंग की सिंपल टेक्निक, लेकिन काफी इफेक्टिव है। अगर आप वर्कआउट के ड्यूरेशन में से परफॉर्म करोगे तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगा। चेंज वर्कआउट ऑर्डर, हमें हमारे वर्कआउट का ऑर्डर हर 15 डेज में चेंज करना चाहिए। जो हम वर्कआउट परफॉर्म करना है उसके ऑर्डर को चेंज करना चाहिए। जब हम सेम ऑर्डर के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, हमारी मसल यूज्ड टू हो जाती है उस वर्कआउट के लिए। जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ शॉक लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी बेटर रिजल्ट परफॉर्म करने लगती है। कुछ इस तरीके से आप वर्कआउट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो हम बेंच प्रेस में फ्लैट बेंच पहले लगाते हैं, फिर इंक्लाइंड बेंच, फिर इंक्लाइंड बेंच के डंबल। तो हमें ऑर्डर चेंज करना चाहिए, हमें इंक्लाइंड बेंच पहले लगाना चाहिए या इंक्लाइंड बेंच के हम डंबल परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक एक्सरसाइज का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। कंसिस्टेंसी प्राइमरी की है आपके वर्कआउट के लिए। आपको डेली एक्सरसाइज करना है। आप वीक में एटलीस्ट 5 बार एक्सरसाइज को करिए, 5 दिन आप एक्सरसाइज को करिए। हमें अपना गोल अचीव करने के लिए हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम देना होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10-15 दिन में हमारी बॉडी में चेंजेस विजिबल होने लग जाए। तो बिगनर्स हमेशा ध्यान रखें कि बॉडी में चेंजेस एक पीक पॉइंट के बाद आना शुरू होते हैं, तो आप इस कारण से डीमोटिवेट होकर जिम को ना छोड़े, जिम को लीव ना करें। विदाउट प्रॉपर डाइट और बैलेंस डाइट के हम अपने टारगेट को अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि डाइट का 70% रोल है हमारी बॉडी के फिटनेस के लिए और 30% हमारे वर्कआउट का है। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए एक बैलेंस डाइट लेने का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट प्लस हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए हमें।
कुछ लोग जो फैट लॉस करते हैं वो फैट को इग्नोर कर देते हैं, बट हमें फैट भी इंक्लूड करना है और तीनों डाइट को मिला के एक बैलेंस डाइट बनाना है हमें, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो फैट से परफॉर्म होते हैं। अगर हम हमारी हर मील में एक बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाई प्रोटीन डाइट के लिए हम पनीर, एग, चिकन, फिश, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें हमें फॉलो करके डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या सजेशन है आपके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।